आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा चुनावों की। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 195 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए हैं। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 34 मंत्रियों के नाम शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी फुल प्लानिंग के साथ में चुनावी मैदान में उतर रही है। चुनाव की तारीख से पहले करीब 200 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, मगर विपक्ष कहां है? विपक्ष की प्लानिंग क्या है? कैसे मोदी की टीम से विपक्षी गठबंधन सामना कर पाएगा? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से मोर्चा संभाल चुके हैं। बिना थके, बिना हारे, दिन और रात एक किए हुए हैं, हर एक चीज पर अध्ययन कर रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार सुबह 3:30 बजे तक सीटों के नाम को लेकर माथा पच्ची की और 48 घंटे के अंदर 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। पहली लिस्ट में 195 नाम, पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम, 195 में से 28 महिलाओं को बनाया गया उम्मीदवार, 50 से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवारों को मौका। पहली लिस्ट में 27 SC और 18 ST के नाम, पहली सूची में OBC से 57 नाम। 195 सीट्स का निर्णय हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। पीएम मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी सीट कोटा से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। पीएम मोदी ने करीब करीब सभी रैली और जनसभा में कहा अब की बार 400 पार और उसको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मोदी की प्लानिंग के आगे विपक्ष कहीं नहीं टिक रहा। प्लानिंग तो छोड़िए, अभी तक सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं हुई। इंडी गठबंधन में अभी तक पूरी तरह से सीट शेयरिंग पर नहीं लगी मुहर। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के नेता केवल बातचीत ही कर रहे हैं। बिहार झारखंड में अभी तक सीटों पर फाइनल बात नहीं हुई। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चुनावी मैदान में होंगे या इकला चलो, जानकारी नहीं। जबकि पीएम मोदी को देखिए तो न केवल सरकार चला रहे हैं बल्कि रैली भी कर रहे हैं और एक एक सीट पर नजर बनी हुई है। 21 और 22 फरवरी को मोदी गुजरात दौरे पर रहे, 22 की रात वाराणसी पहुंच गए, 23 फरवरी को रोड शो के बाद सौगात दी, अगले दिन 24 को और 25 को फिर गुजरात दौरे पर रहे, 26 फरवरी को रेलवे को मेगा सौगात दी, 27-28 फरवरी को केरल और तमिलनाडु गए, 29 फरवरी को उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ, 11 बजे रात से लेकर करीब 3:30 बजे सुबह तक नामों पर चर्चा हुई, 1 मार्च को झारखंड के धनबाद में रैली की, इसके बाद बंगाल के हुगली में परियोजनाओं का उद्घाटन किया, 2 मार्च को बंगाल और फिर बिहार दौरे पर रहे। यानी मोदी के आगे विपक्ष कहीं भी नहीं है और अब 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर बीजेपी ने जता दिया कि चुनावी प्लानिंग में बीजेपी सबसे आगे है, क्योंकि चुनावी तारीख के नाम के ऐलान से पहले ही लिस्ट जारी कर उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में घूमने और प्रचार करने का भरपूर मौका मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।